Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about Peshwas and Anglo-Maratha Wars. So Peshwas के बारे में discussion करने से पहले हम लोग थोड़ा सा Marathas के बारे में देख लेते हैं, history जान लेते हैं. तो although इसमें से कुछ part जो है वो middle का part है और उसमें हम लोग इसको cover करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जरूर इसमें background हम लोग देख लेते हैं. So Maratha स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की थी. So 1674 से लेके 1680 तक इन्होंने rule किया. Then he was succeeded by his son Sambhaji, and again one of his another sons Rajaram I succeeded Sambhaji. So Sambhaji ne 1681 se 89 tak rule kiya. Then inke baad Rajaram I ne 1689 se 1700 tak rule kiya. Sambhaji ke putra ka naam Shahu I tha, and he was under the custody of Aurangzeb. So 1707 mein Aurangzeb ki death ho gayi aur 1708 mein Shahu I ko release kar diya gaya. इधर राजा राम वन का सन शिवाजी टू, ही वॉज द नेक्स्ट रूलर इन मराठा स्वराज. सो शिवाजी टू ने अपनी मदर ताराबाई की रीजेंसी में रूल किया फ्रॉम 1700 टू 1708. तो जब शाहू वन को 1708 में रिलीज किया गया, उन्होंने आके थ्रोन के ऊपर क्लेम किया. सो शाहू वन और ताराबाई के बीच में पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जिसमें शाहू वन सक्सेसफुल हुए एंड ही बिकेम द न्यू रूलर who ruled from Satara. और शिवाजी टू ने कोल्हापुर से रूल करना शुरू किया फ्रॉम 1710 एंड ही रूल्ड टिल 1714 व्हेन ही वाज अगेन डिपोज्ड बाय संभाजी टू. तो संभाजी टू ने कोल्हापुर से उनके बाद रूल करना शुरू किया. तो ये नाम हम लोग कुछ इसमें से यूज करेंगे, तो थोड़ा सा इसीलिए नामों से एक्वेंट हो जाते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस. देन पेशवास के बारे में थोड़ा देखते हैं. सो फर्स्ट पेशवा जो थे उनका नाम था मोरोपंत त्रिंबक पिंगले. इनको छत्रपति शिवाजी ने अपॉइंट किया था एज प्राइम मिनिस्टर. सो प्राइम मिनिस्टर को पेशवा बोला जाता था, एंड छत्रपति शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी को भी इन्होंने सर्व किया. देन बालाजी विश्वनाथ से जो है हमने मेजरली हमने इसके इनके बारे में डिस्कस करना है. तो बालाजी विश्वनाथ 1713 में सिक्स्थ पेशवा बने मराठा स्वराज में, और ये देशमुख फैमिली से आते थे जिनको भट्ट फैमिली भी बोला जाता था. सो ये शाहू वन के समय रूल के समय ये पेशवा बने थे. इन्होंने शाहू वन को हेल्प किया था थ्रोन में आने के लिए. सो दैट इज द रीजन बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया था. तो बालाजी विश्वनाथ के बाद ये पेशवा की पोजीशन जो थी वो हेरिडिटरी हो गई. बालाजी विश्वनाथ को बाजीराव वन ने सक्सीड किया. देन अगेन बाजीराव वन वॉज सक्सीडेड बाय बालाजी बाजीराव. सो ये सभी एक ही फैमिली से आते थे. बाजीराव वन वॉज सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ, देन बालाजी बाजीराव वॉज सन ऑफ बाजीराव वन. सो बाजीराव वन और बालाजी बाजीराव वन के समय पे मराठा से मैक्सिमम एक्सपेंशन विटनेस किया. देन बालाजी बाजीराव की जो फोर्सेस थी दे वर डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1716. एंड देन बाजीराव टू जो कि बाद में पेशवा बने थे एंड ही वॉज द लास्ट पेशवा, और उनके बाद उनकी लीगल पोजिशन खत्म कर दी गई थी. हिज फोर्सेज वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेज इन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. तो ये हम थोड़ा सा इसमें ब्रीफली एक डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं अबाउट मेजर पेशवास, और उसके बाद किस तरह से जो रिलेशनशिप थे बिटवीन मराठास और एंग्लोस वो रहे, और कैसे एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुए और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए. सो देखते हैं. तो बालाजी विश्वनाथ जिन्होंने शाहू वन की साइड ली थी इन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन शाहू वन एंड ताराबाई, तो इसकी वजह से शाहू वन ने उनको 1708 में सेना करते नियुक्त किया. देन 1713 में बालाजी विश्वनाथ को एज पेशवा अपॉइंट किया गया. देन बालाजी ने शाहू को इसमें पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में तो हेल्प की ही थी, इसके साथ साथ इन्होंने कुछ रिच बैंकर्स के सपोर्ट भी शाहू वन को प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रिजॉल्व हो गई. सो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा जो पॉलिटिक्स थी उसमें तो इंटरफियर किया ही, साथ के साथ इन्होंने मुगल पॉलिटिक्स में भी इंटरफियर किया. सैयद ब्रदर्स को हेल्प किया टू डिपोज फारूक सियार, और उसकी जगह रफी उद्दराजत ने रिप्लेस किया इन 1719, जिसको सैयद ब्रदर्स ने एज न्यू एम्परर बनवाया. तो बदले में रफी उद्दराजत ने मराठास के साथ एक ट्रीटी की, और इस ट्रीटी में मराठास को काफी ज्यादा एडवांटेजेस मिली. तो ये इसमें ट्रीटी में कुछ क्लॉजेस हैं. इन्होंने डेक्कन के अंदर जो मुगल टेरिटरीज थी वहां सारी टेरिटरीज के अंदर मराठास को चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने का राइट मिल गया. चौथ क्या होता था? दैट वॉज वन फोर्थ ऑफ द टोटल कलेक्शन ऑफ टैक्स. तो
तो मुगल्स जितना भी वहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे उसका 1/4 पार्ट विल गो टू मराठास एज अ प्रोटेक्शन, उसको चौथ बोला जाता था, और टैक्स के ऊपर जो 1/10 अमाउंट था दैट वाज नोन एज सरदेशमुखी, दैट वाज एन एडिशनल सेस। तो ये सरदेशमुखी वाज वाज टू गो टू द किंग ऑफ मराठास। तो इस तरह से चौथ और सरदेशमुखी मराठास कलेक्ट करते थे, और डेक्कन का जो जो मुगल टेरिटरीज थी उसका राइट भी मराठास को मिल गया। देन इसमें एक और ये क्लॉज आया कि शाहू को जितने भी पोजेशंस जो थी शिवाजी स्वराज्य की दैट वुड बी गोइंग टू दी टू शाहूवन। तो इसमें ये मान लिया गया कि शाहूवन वॉज द राइट हेयर ऑफ शिवाजी महाराज। देन उसके अलावा मराठास ने जितनी भी टेरिटरीज को कॉन्कर किया है वो सारी की सारी शाहूवन को दे दी जाएंगी। देन उसके बाद संभाजी टू को भी थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट दिया गया कि उनको कोई भी हार्म नहीं करेगा, दैट मीन्स कि शाहूवन कोई भी हार्म संभाजी टू ऑफ कोल्हापुर को नहीं पहुंचाएगी। देन इसके इन सब चीजों के बदले में शाहू को क्या करना था, 10 लाख रुपीज एम्परर को एनुअल ट्रिब्यूट देना था। उसके अलावा 15,000 के ट्रूप्स एम्परर के लिए रखने थे, तो जो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम द एनिमीज मुगल एम्परर को प्रोवाइड करना था दैट वाज टू बी गिवन बाय द मराठास बाय प्रोवाइडिंग 15,000 ट्रूप्स। बाजीराव वन ने बालाजी विश्वनाथ को सक्सीड किया इन 1720, उस समय भी शाहू वन का ही रूल चल रहा था। इनके समय में निजाम ऑफ हैदराबाद को डिफीट किया गया इन 1728। सो निजाम और मराठास के बीच में प्रॉब्लम यही था कि मराठास वर लेवाइंग चौथ एंड सरदेशमुखी इन टेरिटरीज इन डेक्कन। सो वो टेरिटरीज जो थी वो निजाम के अंडर में भी आती थी। सो निजाम वॉज सींग इट एज ट्रांसग्रेशन ऑफ हिज सॉवरेंटी। सो ट्रीटी ऑफ मुंगी सिवागांव निजाम और मराठास के बीच में साइन की गई, जिसके अंदर चौथ और सरदेशमुखी मराठों को दोबारा से उनका ही राइट माना गया बाय निजाम। दूसरी चीज इसमें हुई, जो संभाजी थे कोल्हापुर के, उन्होंने एज अ पोजिशन ऑफ वासल ऑफ शाहू अपने आप को मान लिया बाय ट्रीटी ऑफ वरना, ये 1731 में हुआ। और एक इंपॉर्टेंट घटना इसमें यह है कि छत्रसाल ऑफ बुंदेलखंड, उन्होंने बाजीराव वन की हेल्प मांगी जब ही वॉज टेरराइज बाय द मुगल फोर्सेस। तो मुगल फोर्सेस ने उनकी टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया, छत्रसाल ने बाजीराव वन की हेल्प मांगी, बाजीराव वन हेल्प के लिए आए और उन्होंने मुगल्स की आर्मी को बुंदेलखंड में डिफीट किया। देन बाजीराव वन की एक और सक्सेस रही गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर लगातार जो इन्वेजन्स मराठास के हो रहे थे उसकी वजह से गुजरात काफी ज्यादा वहां पे मुगल अथॉरिटी वीक हो गई थी। सो मुगल सूबेदार ने एक ट्रीटी इनके साथ साइन की, जिसके थ्रू उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी जो है बाजीराव वन या मराठास को देना शुरू कर दिया। देन दिल्ली में भी बाजीराव वन ने इन्वेजन किया 1737 में, और दिल्ली पहुंच के सो एम्परर टेरराइज हो गया। एम्परर को बचाने के लिए निजाम ऑफ हैदराबाद ने इन्वेजन किया और कोशिश की कि मराठों को हराया जाए, लेकिन निजाम ऑफ हैदराबाद हार गया बैटल ऑफ भोपाल के अंदर। सो बैटल ऑफ भोपाल के बाद निजाम ने फिर से एक उसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसके थ्रू मालवा में पूरी की पूरी जो पावर थी वो मराठा की मान ली गई। उसके अलावा नर्मदा और चंबल के बीच में मराठास की सॉवरेंटी को एक्सेप्ट किया गया, और वॉर इंडेमनिटी भी निजाम को पे करनी पड़ी टू मराठास ऑफ ₹50 लाख। सो बाजीराव वन के समय में काफी ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखने को मिला। देन उनके बेटे बालाजी बाजीराव ने उनको सक्सीड किया इन 1740, और 1761 तक ये पेशवा बने रहे। 1761 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सो इस समय तक आते आते पेशवा जो थे वो बालाजी बाजीराव के समय में पेशवा की पोजीशन सबसे ज्यादा हो चुकी थी, वो सुप्रीम हो चुके थे। हुआ कैसे ये, शाहू वन जिन्होंने राजा राम टू को एडॉप्ट किया था। सो राजा राम टू कौन थे, ताराबाई का कहना था कि राजा राम टू उनके ग्रैंड सन है। सो ग्रैंड सन है और शाहू वन का कोई सन नहीं है, तो शाहू वन ने राजा राम टू को एडॉप्ट कर लिया और नया छत्रपति बना दिया। लेकिन जब राजा राम टू यहाँ पे छत्रपति बन गए, और ताराबाई ने ये सोचा था कि राजा राम टू उनकी बात से ही रूल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो राजा राम टू और ताराबाई के बीच में डिस्प्यूट होने लग गए, जिसके बाद ताराबाई ने उनको एज इम्पोस्टर डिक्लेयर कर दिया और बोला कि ये राइटफुल हेयर नहीं है। लेकिन राजा राम टू ने भी यहाँ पे एक गेम खेला, उन्होंने बालाजी बाजीराव के साथ ही एक ट्रीटी कर ली, एक एग्रीमेंट हुआ संगोला एग्रीमेंट, जिसके थ्रू राजा राम टू ने बालाजी बाजीराव को सुप्रीम पावर मान लिया और खुद एक टाइटुलर रूलर बन गए। और इसके बाद क्योंकि बालाजी बाजीराव सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, तो ताराबाई को भी उनको सुप्रीम अथॉरिटी मराठा किंगडम का मानना पड़ा। देन मोहम्मद शाह 1741 में
बालाजी बाजीराव को डेप्यूटी सूबेदार बना देता है ऑफ मालवा। सो इसके थ्रू हुआ क्या कि जो पॉलिटिकल कंट्रोल था मालवा का वो भी अब मराठास के अंडर में आ गया था। तो पहले तो ये लोग यहाँ से टैक्स कलेक्शन कर रहे थे, लेकिन अब ये पॉलिटिकली भी इसको कंट्रोल करने लगे। सो मोहम्मद शाह की पोजीशन इस समय काफी खराब हो चुकी थी, बिकॉज 1739 में हमें पता है नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह जो उस समय एम्परर था उनकी सारी वीकनेसेस सामने आ चुकी थी। देन मराठा फोर्सेस ने बुंदेला चीफ ओरछा के को भी हराया और झांसी को कैप्चर कर लिया। सो झांसी 1742 में कैप्चर हुआ, और हमें पता है 1857 में भी झांसी जो था दैट वॉज अंडर मराठास। उसके अलावा बंगाल, कर्नाटक, हैदराबाद, मैसूर इन सब एरियाज में भी मराठा फोर्सेस ने सक्सेसफुली कैंपेन्स किए। अली वर्दी खान को रघुजी भोसले ने हराया और उड़ीसा को मराठास के अंडर में ले आए। उसके अलावा बंगाल और बिहार से भी इन्होंने चौथ लेना शुरू कर दिया। तो ये देख लीजिए, ये इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन रहा। इनके समय में मराठा पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सो अगर हम देखें वेस्टर्न कोस्ट से लेके ईस्टर्न कोस्ट तक इनकी पावर थी, और नॉर्थ में भी काफी नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स भी इनके अंडर में आ चुके थे। दिल्ली वगैरह, ग्वालियर, ये सारे एरिया इनके इन्फ्लुएंस में थे, और काफी एरिया से जो डायरेक्टली ये कंट्रोल नहीं कर रहे थे वहां से ये चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट कर रहे थे। देन इसके अलावा इन्होंने जाट्स और राजपूत के अगेंस्ट भी कैंपेन्स किए, और ये सक्सेसफुल कैंपेन थे। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये रहा कि इन्होंने जाट्स और राजपूत से टैक्सेस तो ले लिए, लेकिन ये जाट्स और राजपूत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की साइड में नहीं आए, जहां की सारे अफगान्स अहमद शाह अब्दाली की साइड में चले गए थे। मराठा जाट्स और राजपूत का सपोर्ट नहीं ले पाए। इतना ही नहीं, जो मराठा फोर्सेस को लीड कर रहे थे सदाशिव राव भाऊ, वो काफी एरोगेंटली उन्होंने बिहेव किया, और इवन उनके ही जो चीफ्स थे ऑफ भोसले, होलकर या सिंधियास, उनको भी ये एलिनेट कर चुके थे। इवन अहमद शाह दुरानी के जो सबसे बड़े उस समय दुश्मन माने जाते थे सिख, तो सिखों को भी मराठा से अपनी साइड में नहीं कर पाए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो ये डिप्लोमेटिक काफी बड़ा एक फेलियर माना गया इनका, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह दुरानी की फोर्सेस से मराठा फोर्सेस हार गई। देन माधव राव वन ने बालाजी बाजीराव को सक्सीड किया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद बालाजी बाजीराव की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और उसके बाद माधवराव वन जो उनके सन थे 16 ईयर्स के थे, उन्होंने इनको सक्सीड किया, और इनके अंकल रघुनाथ राव ही बिकेम रेजेंट। तो रघुनाथ राव और माधवराव वन के बीच में डिस्प्यूट्स चलते रहे, इसके चलते रघुनाथ राव वडगांव मावल चले गए, और वहां पे इन्होंने अपनी आर्मी एक ऑर्गेनाइज की। माधवराव वन को बुलाया गया कि हम लोग एक ट्रीटी साइन करना चाहते हैं, लेकिन धोखे से माधवराव वन को डिफीट कर दिया गया, लेकिन और माधवराव की जो पोजीशन थी वो डिक्लाइन हो गई। लेकिन धीरे धीरे माधवराव ने अपनी पोजीशन वापस से जो है ये रिस्पेक्टफुली ये अपनी पोजीशन को बढ़ाते गए। उसका रीजन क्या था कि ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर थे, कोर्टियर्स में भी काफी ज्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि माधवराव वन ने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टेट का किया था, करप्शन खत्म की, जो लिथार्जी थी सिस्टम के अंदर उसको भी इन्होंने कम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से माधवराव काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। उसके अलावा इन्होंने मराठा पावर को भी रिवाइव करना शुरू कर दिया था। बैटल ऑफ राक्षस भवन हुआ, जिसके अंदर निजाम को डिफीट किया गया इन 1763। देन उसके बाद हैदर अली को भी डिफीट किया इन बैटल ऑफ सिरा एंड मादगिरी। लेकिन इनकी डेथ के बाद माधवराव वन की डेथ हो गई, और इनके ब्रदर नारायण राव को अगला पेशवा बनाया गया। सो रघुनाथ राव को अभी भी पेशवा नहीं बनाया गया, लेकिन नारायण राव को जल्दी ही असैसिनेट करा दिया गया। देन अब रघुनाथ राव को लग रहा था कि वो अगले पेशवा बनेंगे, लेकिन नाना फडणवीस जो कोर्टियर्स में काफी पॉपुलर और स्ट्रांग माने जाते थे, नाना फडणवीस ने माधोराव टू को नया पेशवा नियुक्त कर दिया, जो कि नारायण राव के पुत्र थे। नारायण राव की मृत्यु के बाद इनका जन्म हुआ था। सो नाना फडणवीस ने इनको नया पेशवा प्रोक्लेम कर दिया। अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि रघुनाथ राव बिल्कुल डेस्परेट हो गए, क्योंकि इनको पेशवा नहीं बनाया जा रहा था। तो 1775 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ सूरत ब्रिटिशर्स के साथ साइन कर ली। इसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। तो बॉम्बे ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि वो बंगाल टाइप के गवर्नमेंट यहां पे भी बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। जो मराठास में इंटरनल डिसेंशन था, उसकी वजह से ट्रीटी ऑफ सूरत हुई, एंड देन ये चाहते थे कि एक ड्यूअल गवर्नमेंट जो है बंगाल की तरह बॉम्बे के अंदर भी बनाई जाए। लेकिन स्ट्रगल चलता रहा ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में, कोई रिजल्ट नहीं आया। उल्टा ब्रिटिशर्स को बार बार बैटल्स में हार का मुंह देखना पड़ा,
दोनों ने एक दूसरे की पावर को टेस्ट कर लिया, कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा था वॉर का, सो ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है साइन की गई, म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ टेरिटरीज को मान लिया गया, तो एक दूसरे की टेरिटरीज वापिस कर दी गई। देन देखते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो 1803 से 6 तक चला, उसमें क्या इवेंट्स थी। सबसे पहले तो वेलिसली जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आ गए 1798 में। सो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को, जो इनकी पॉलिसी थी, उसको इन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली परस्यू किया। ये चाहते थे कि जितने ज़्यादा सब्सिडरी अलायंस में स्टेट्स आ जाएंगी उतना ही ज़्यादा फ्रेंच से जो इनको थ्रेट है वो कम हो जाएगा। तो फ्रांस उस समय बढ़ती हुई पावर थी, धीरे धीरे नेपोलियन का कद भी वहां पे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से फ्रांस की पावर भी बढ़ती जा रही थी। तो उस थ्रेट को रोकने के लिए वेलेस्ली चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लें, तो मराठा से भी ये यही एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन उस समय नाना फडणवीस और दौलत राव सिंधिया, इनके इन्फ्लुएंस में बाजीराव टू रहे और इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन करने से मना कर दिया। नाना फडणवीस की डेथ के बाद सारे अफेयर्स जो थे अब दौलत राव सिंधिया के अंडर में चले गए। जसवंत राव होलकर चाहते थे कि उनकी भी पोजीशन थोड़ी बनी रहे कोर्ट के अंदर, इसलिए वो भी चाहते थे कि वो भी होलकर्स भी वहां पे थोड़ा पॉलिटिक्स में पावरफुल रहे। तो इसी बीच हुआ क्या कि विट्ठू जी राव होलकर, जो कि जसवंत राव होलकर के भाई थे, उनको बाजीराव टू ने मर्डर कर दिया। उसके बाद जसवंत राव होलकर ने पूना पे अटैक कर दिया और पेशवा और सिंधिया के ज्वाइंट फोर्सेस को बैटल ऑफ हडापसर में हरा दिया। तो यहां पे हारने के बाद जल्दी ही बाजीराव टू ने क्या किया, वो ब्रिटिशर्स से जाके मिले और उन्होंने बसीन की ट्रीटी 1802 में साइन की। तो इसके थ्रू बाजीराव टू को पेशवा रीइंस्टेट करने की बात हुई और उसके बदले में पेशवा ने मान लिया कि ब्रिटिश फोर्सेस को वो अपनी टेरिटरी में मेंटेन करेंगे, जिसमें 6,000 इन्फेंट्री होगी। देन सूरत और कुछ दूसरी टेरिटरीज गुजरात और डेक्कन की, वो भी इन्होंने सरेंडर करने के लिए मान लिया। निजाम और गायकवाड़ के साथ अगर पेशवा का कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें कंपनी आर्बिट्रेट करेगी, कोई भी होस्टाइल यूरोपियन होगा उसको ये पेशवास जो है पेशवा एंटरटेन नहीं करेंगे। और उसके अलावा अब हुआ क्या कि ये सारी इन्होंने ट्रीटी के अंदर पेशवा ने बातें मान ली थी, तो इससे मराठा की पॉलिटिक्स में यूरोपियंस का इंटरफेरेंस बढ़ गया। तो ये इंट्रूशन जो था मराठा अफेयर्स के अंदर, ये मराठा चीफ्स नहीं चाहते थे। तो भोसले, सिंधिया और होलकर, ये सब ने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया और बारी बारी से ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटीज साइन की। सबसे पहले भोसले और सिंधियास को ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया इन 1803 और रघुजी भोसले टू ने ट्रीटी ऑफ देवगांव ब्रिटिशर्स के साथ साइन की। इसके थ्रू भोसले ने कटक और वारधा रिवर से वेस्ट की जो उनकी टेरिटरीज थी वो सारी ब्रिटिशर्स को दे दी और ब्रिटिश रेजिडेंट को एक्सेप्ट कर लिया। देन सुरजी अर्जुन गांव की ट्रीटी हुई, जिसमें सिंधियाज ने जो गंगा और यमुना के बीच में उनकी टेरिटरीज थी, देन बुंदेलखंड के कुछ पार्ट्स थे, दिल्ली आगरा का रीजन था, भरूच था और अहमदनगर का फोर्ट था और कुछ दूसरी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को दे दी। देन यशवंत राव होलकर भी ब्रिटिशर्स से हार गई इन 1804 और राजपुर घाट की ट्रीटी इन्होंने साइन की, जिसके थ्रू इन्होंने टोंक, रामपुरा और बूंदी सीड कर दिया टू द ब्रिटिशर्स। इस तरह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद काफी ज्यादा जो पावर थी चीफ्स की और पेशवा की वो कम हो गई थी, तो मराठास की पावर यहाँ पे ज्यादा डिक्लाइन में चली गई। देन हम लोग आते थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, जो 1817 से 18 तक लड़ा गया था। सो पिंडारीज काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे इस पीरियड में, सिंधियाज और होलकर्स इनको एंकरेज कर रहे थे। सो हजारों की संख्या में पिंडारीज थे, ब्रिटिश टेरिटरीज में अटैक करते थे, लूटपाट मचाते थे। सो इनको कंटेन करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पॉलिसी बनाई और पिंडारीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इनके अगेंस्ट बहुत सारे कैंपेन्स चलाए गए और उसके अलावा भी हेस्टिंग्स जो थे वो एक्सपेंशन चाहते थे, ब्रिटिश टेरिटरीज को इंडिया में बढ़ाना चाहते थे। सो जब हेस्टिंग्स ने पिंडारीज के अगेंस्ट अपनी कैंपेन शुरू किए तो मराठास को लगा कि ये उनकी सॉवरेंटी को ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, इसकी वजह से कंफ्लिक्ट ब्रिटिशर्स के साथ होना यहाँ पे जरूरी हो गया था। सो यहाँ पे बाजीराव टू पेशवा जो थे उन्होंने ये अपना लास्ट एक चांस इसको यूज करने की कोशिश की। देन माधोजी भोसले, जिनको अप्पा साहब भी बोला जाता है भोसले की तरफ से, और मल्हार राव होलकर, ये तीनों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बैटल्स लड़े और वो डिफीट हो गए। दौलत राव सिंधिया जो थे वो भी इसमें बैटल में लड़ना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट की डिप्लोमेसी की वजह से दौलत राव सिंधिया को
इस बैटल से दूर रखा गया और उनको न्यूट्रल बनाकर रखा गया। सो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डिप्लोमेसी का यूज किया। सो भोसले, होलकर और सिंधिया की जो टेरिटरीज थी, देवर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, मिलिट्री पावर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। सो इसके बाद मराठा जो टेरिटरीज थी, ऑलमोस्ट सारी की सारी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के अंडर में चली गई। पेशवा को पेंशन ऑफ कर दिया गया, बिठूर भेज दिया गया। इस तरह से मराठास की जो पावर थी वो डिक्लाइन हो गई इंडिया में। और क्योंकि मराठास उस समय, देखिए इससे पहले हमने देखा कि मराठास काफी ज्यादा पावरफुल थे। सो मराठा की पावर जाने के बाद ब्रिटिशर्स डेक्कन इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और काफी बड़े पार्ट में इंडिया में ब्रिटिशर्स जो थे वो सुप्रीम पावर बन चुके थे। सो इस चैप्टर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग एंग्लो सिख अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।